काय का काम किया था आपने? बहुत कम। कितने दिन किया था? हमने करो तो एक महीना। एक महीना में हमारे 4,500 कर आए थे और बाकी के नहीं करे थे। आप लोगों ने फिर दरखास्त क्यों नहीं लगाई? दरखास्त हम नहीं मिले सुमंगल को लगाई। पैसा नहीं मिले आप हमन को। मजदूरी आदमी है लो हमन तो माटी छाती कहो काटी नहीं मिले तो फिर दरखास्त तो लगाई। काय का काम किया था? खंती का? बंदी खंती का। प्रधान से बात नहीं करी आप लोगों ने पैसों के बारे में? खूब करी सा। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि अभी पैसा डरा नहीं। एक साल भाई आ रही, एक साल से कम अभी तक रुपया नहीं आया। हो बंदी में डाल देंगे उसमें डाल देंगे, लेकिन अभी खाते में अभी प्रेस्ट नहीं हुआ। आपने काय का काम किया था? नरेगा में, यानी खंतियन का काम है कुछ, नाला सफाई है। नाला सफाई में है और थोड़ा उनका जो घर का प्रधान का घर बनाता उसमें है। तो जैसे मनरेगा का काम लगता है, अगर किसी मजदूरी के पैसे नहीं मिले तो आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई की जाए? अगर उसका किसी स्तर पर खाता गड़बड़ है या वैसे तो गड़बड़ होने का सवाल अब कमी है, क्योंकि उसके ऑनलाइन उसका खाता फीड है, उस पर आधार बेस पेमेंट भी हो रहा है। अगर कहीं पे अगर खाते में दिक्कत आ रही है तो उसको हम लोग पूरे मस्टर को वेरीफाई करते हैं कहाँ पे किस लेवल पे समस्या है, फिर उसको दोबारा हम लोग अगर रिजेक्शन में आ जाता है कभी कभी कनेक्टिविटी की वजह से तो उसको दोबारा जनरेट करके फिर उनका पेमेंट प्रोसीड करवा देते हैं। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि एक साल से पैसे नहीं मिले, एक साल पहले काम से। ग्राम पंचायत छपाक में इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि जिसमें एक साल का कोई पैसा रुका हो। कब तक निकल आएगा इन लोगों का पैसा? अभी ये नहीं बता सकती, तो सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने आपको पहले बताया कि ग्राम पंचायत प्लस विकास खंड की जो जिम्मेदारी थी भुगतान के संबंध में, जो औपचारिकता थी वो पूर्ण कर ली गई है। अब पैसा कब तक आएगा ये तो सरकार का विषय है।